ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? करे आप लोगों ने असाइनमेंट? लास्ट के जो दो क्लासेस हुई हैं हमारी, असाइनमेंट्स किया आप लोगों ने? उसके कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है उसमें? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया आप सबके पास? चलिए सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। फिर ग्रुप में जो है वो जिस जिसने असाइनमेंट कर लिया है वो फेसबुक ग्रुप में ज़रूर अपलोड कर दे, ठीक है। अब बस एक मिनट रुकिएगा, मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। अच्छा अच्छा चलें, ठीक है फिर उसको भी देख लेंगे। चलिए आज जो है वो फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको आगे जो हमने 3D स्ट्रोक्स नहीं पढ़े थे और सब टाइटल्स वगैरह ऐड करने देखने हैं आज हमें, ठीक है, तो उसको जो है वो शुरू कर लेते हैं। और मैं उसके लिए यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ, प्रीवियस लेक्चर जो था हमारे उसी को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। चले तो यहाँ पर थे हम, ठीक है। लास्ट क्लास का थोड़ा सा मैं अगर रिवाइज करूँ तो हमने लेगेसी टाइटल पूरा जो है वो देखा था बनाना, और लेगेसी टाइटल में हम देख रहे थे कि आप किस तरीके से सारी जितनी भी आपके पास टाइटल बनाने के लिए प्रॉपर्टीज मौजूद हैं आप उनको किस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यानी हमने कितनी प्रॉपर्टीज देखनी थी, हमने अराउंड ये ट्रांसफॉर्म किस तरह अप्लाई करते हैं, हमने ये देख लिया था प्रॉपर्टीज किस तरीके से अप्लाई हो रही होती हैं, हम ये देख लिया था, हमने फिल टाइप हमने देख ली थी, ठीक है। उसके बाद हमने शेडो देख लिए थे, बैकग्राउंड देख लिए थे। अब हम ये करेंगे, आज हम स्ट्रोक्स पढ़ेंगे, आज हम ये देखेंगे कि आप सब टाइटल किस तरह से लगा सकते हैं, आज हम ये देखेंगे कि आप एंड क्रेडिट्स किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप कैप्शंस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक और सीक्वेंस बना लेती हूँ। ओके, यहाँ न्यू आइटम में जाकर, और मैं यहाँ पे जो हमने कस्टम में फेसबुक के लिए एक बनाया था, ओके ये वाला जो वो हमने बनाया था, ठीक है, मैं इसको जो है वो जाकर सेलेक्ट कर रही हूँ और ये जो है वो मैंने बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कुछ वीडियोस इंपोर्ट करवा लूँगी। चलिए, ये वाली जो है एक वीडियो मैंने इंपोर्ट करवा लिया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो बस ये ठीक है। अब मैं यहाँ जा रही हूँ और एक लेगेसी टाइटल क्रिएट कर रही हूँ। ओके, और इसका नाम मैं यहाँ पर चेंज करके रख लेती हूँ सबटाइटल्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं स्ट्रोक्स। पहले तो यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिखने जा रही हूँ, और उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे जाके अपना फॉन्ट फेस जो है वो चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, जब आप यहाँ पर लिखेंगे में यहाँ पर जो है वो हेलो सनराइज अगर लिखूँ इस तरह, ठीक है, और ये मेरा सिलेक्शन टूल है और ये मैंने इसको जो है उस तरीके से बड़ा कर दिया। और ये जो कलर है ये मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ ताकि आपको ये विजिबल हो सके जो भी चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है। अब जो है वो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। अच्छा, अब देखें ये प्रॉपर्टीज मेरा ख्याल है रिवाइज करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आप लोग जो है वो इनको देख भी चुके होंगे, शेडो, बैकग्राउंड, ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज। मैं स्ट्रोक्स पे आ जाती हूँ। अब स्ट्रोक्स में देखें, स्ट्रोक्स के अंदर क्या करना होता है, इनर स्ट्रोक अगर देखें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये ऐड का जो है वो एक बटन नज़र आ रहा है। सबसे पहले स्ट्रोक्स को समझ लें,
जितने भी अडोब के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फोटोशॉप होता है, इलस्ट्रेटर होता है आपके पास, ठीक है, या फिर प्रीमियर है, या फिर इनडिजाइन है, आफ्टर इफेक्ट्स और बहुत सारे होते हैं. तो उन सब में एक चीज़ कॉमन होती है जो कलर्स के लिए यूज़ होती है, वो होती है एक फिल और एक होता है स्ट्रोक. ठीक है, तो फिल का मतलब होता है कि आप कलर कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, और स्ट्रोक का मतलब यहाँ पर ये होता है कि उसका उसका बॉर्डर्स कैसे हैं, उसकी आउटलाइन कैसी है. ठीक है, तो आउटलाइन में यहाँ पर दो जो है वो ऑप्शंस और मौजूद होते हैं, एक होता है इनर स्ट्रोक, एक होता है आउटर स्ट्रोक. तो अगर मैं इनर स्ट्रोक पे यहाँ पर क्लिक करूँ, तो अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ एक और टाइप आ गई है, एक और साइज आ गया है, अगेन फिल टाइप आ गई है, कलर एंड ओपेसिटी. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर टाइप पर आ जाऊँ, और टाइप में अभी देखें एज है, यहाँ दो तीन जो है वो और टाइप्स हैं, अभी क्या यहाँ पर एज है. ठीक है, अभी एज का साइज कितना है, 10. और कलर देखें ब्लैक है, तो ब्लैक कलर के साथ अगर मैं करूँगी आपको नजर नहीं आएगा. मैं यहाँ पे कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राइट कर देती हूँ, ताकि बस आपको ये जो कलर है ये नजर आए. ठीक है, अब देखें येलो कलर अगर मैंने किया तो ये आपको विजिबल हो रहा है ना. अब देखें अगर मैं साइज इंक्रीज कर रही हूँ, तो ये साइज इंक्रीज होते होते क्या हुआ, ये पूरा का पूरा कलर वही बन गया, ब्लैक कलर रिमूव हो गया. ठीक है, तो साइज हमें सिर्फ उतना ही रखना चाहिए जितना के बॉर्डर के लिए जरूरी हो. ठीक, फिर ये वाली जो फिल टाइप है ना, ये फिल टाइप अप्लाई होती है आपके पास बॉर्डर के कलर के ऊपर, ये फिल के कलर के ऊपर नहीं अप्लाई होगी. ठीक है, इस डिफरेंस को जरूर समझ लीजिएगा. अच्छा, फिर अगर मैं एच से आकर यहाँ डेप्थ के ऊपर चली जाऊँ, और डेप्थ में देखें साइज में अगर थोड़ा सा ये इंक्रीज करूँ, तो ये देखें ये साइज क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है. अब आप देखें एंगल, आप यहाँ पे मैं अगर चेंज करूँ, तो ये देखें एंगल जो है वो आप अपने इसका चेंज करवा सकते हैं इस तरीके से. ठीक है, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं एंगल जो है वो असल में चेंज कर रही हूँ. ठीक है, अब अगेन आप जो, अच्छा यहाँ पे छोटा सा एरो है, अगर आप इसको खोलें तो यहाँ से भी जाकर आप अपनी अपना एंगल जो है वो ईजिली, ठीक है, इस तरीके से इसको चेंज करवा सकते हैं. फिर फिल टाइप में आप देखें, फिल टाइप क्या है, सॉलिड. तो फिल टाइप अगर आप चेंज करेंगे, जैसे मैं अगर लीनियर ग्रेडियंट करूं, तो जो फिल टाइप चेंज होगी ये डेफिनेटली स्ट्रोक की चेंज होगी. ठीक है, ये अभी एक हैंडल है. आइए अगर मैं दूसरा हैंडल यहाँ से लूँ, ये मैंने जो है वो ब्लू कलर अगर लिया इस तरह, तो ये देखें ये जो है वो इसके इनर स्ट्रोक के ऊपर जो है ये अप्लाई हुआ है, ये फिल के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ. ठीक है, ओके. फिर आप यहाँ पे देख लें शाइनिंग है, टेक्सचर है. तो अगर मैं शाइनिंग अप्लाई करी हूँ, तो ये भी जो है वो कहाँ अप्लाई होगी, ये इनर स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई होगी, ये बाकी जगहों पे जो है वो अप्लाई नहीं होगी. ठीक है, यानी फिल के ऊपर अप्लाई नहीं होगी. ठीक है, अच्छा अब मैं आकर इस इनर स्ट्रोक को यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, ताकि मैं आउटर स्ट्रोक अप्लाई करूँ. आप एट अ टाइम दोनों चीज़ें भी अप्लाई करवा सकते हैं. ठीक है, अच्छा आउटर स्ट्रोक पे आके मैंने ऐड के ऊपर क्लिक किया. सही, अब देखें जैसे मैंने ऐड के ऊपर क्लिक किया, ये थोड़ा आपको डबल नज़र आ रहा है. मैं अनचेक करूँ तो ये थोड़ा कम था, अभी मैंने इस पर चेक किया तो ये थोड़ा डबल हो गया, क्योंकि एज का कलर भी जो है यही है ना, ब्लैक है, तो वो डबल हो चुका है. अब अगर मैं एज का कलर यहाँ से ले लूँ रेड, अब देखेंगे अब इस तरह आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, अब अगर मैं इसको बड़ा करूँ, तो ये आउटसाइड की तरफ आपको बड़ा होता हुआ नजर आ रहा होता है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 200 होती है. आप 200 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते इसको. ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसकी वैल्यू को इस तरीके से कम कर रही हूँ, मैं इतना कर देती हूँ अभी. ठीक है, बाकी आप इसके ऊपर भी शाइनिंग अप्लाई कर सकते हैं. ये मैंने शाइनिंग ऑन की, और ये जो है ये मैंने इसकी थोड़ी सी क्या किया, साइज इंक्रीज कर दिया, और उसके बाद क्या किया मैंने, थोड़ा सा एंगल भी चेंज कर दिया, तो ये बहुत प्यारा सा जो है वो बन गया. अब आप यहाँ पे जो ये कलर है, आप यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर ले लें. ठीक है, आप ये थोड़ा सा डार्क कलर ले लें, तो ये थोड़ा सा और बैकग्राउंड मैचिंग कलर बन गया, तो अच्छा सा हो गया. ठीक है, अच्छा फिर अगर एज के बाद आप डेप्थ लें, ये डेप्थ कुछ इस तरह आ जाती है. कलर मैं पहले चेंज कर लेती हूँ, अगेन थोड़ा विजिबल कलर हम जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं इस तरीके से. अब इसमें भी आप देखें, इसमें भी आप साइज जो है वो इस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकते हैं. ठीक है,
अब मैंने साइज जो है वो इतना रख लिया, मैं एंगल जो है वो क्या करती हूँ, मैं अब आप जहाँ पे भी इसका एंगल रखेंगे ना, ये उसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी लेफ्ट साइड पे रखा, तो ये लग रहा है कि टेक्स्ट लेफ्ट साइड की तरफ रखा हुआ इस तरह, ठीक है। तो मैं अभी इसको ऐसे ही रख देती हूँ, ठीक। और मैं यहाँ पर आ रही हूँ शेडो में, और मैंने शेडो ऑन किया इस तरह, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा जो है वो डिस्टेंस इनक्रीज कर रही हूँ इसका, ठीक है। जस्ट इतना सही है, और थोड़ी सी इसकी स्प्रेडनेस इंक्रीज कर देती हूँ, तो अब ये थोड़ा सा और अच्छा लगने लग गया, ठीक है। बाकी आप एंगल जो है वो और ज़्यादा भी जो है वो चेंज वगैरह करवा के यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोफाइल टाइप में अगर आपने कोई भी चेंजेस करनी हो तो आप वो भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी टेक्स्ट को एक 3D लुक दे रहे हो, वाला काम हो गया। मैं यहाँ पर बंद करती हूँ, अब हम चलते हैं सबटाइटल ऐड करने की तरफ। पहले मैं इसको इस वीडियो के ऊपर अप्लाई भी करवा लेती हूँ इस तरह, ठीक है। अभी वीडियो है तो छोटी सी, बहुत बड़ी तो नहीं है, तो सबटाइटल हमें ज़रा कम जगह पे रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी मैं इसकी ड्यूरेशन को कम करूँगी, चले यहाँ तक जो है मैंने इसको रख दिया है, ठीक है। यानी इस तरह चले एक और मैं लेगेसी राइटर क्रिएट कर रही हूँ, और उस लेगेसी राइटर में हम बनाते हैं सब टाइटल्स, ठीक है। अच्छा, सब टाइटल को मैंने पहले ही टाइटल वाले में नाम दे दिया था, तो अब इसको मैं सिंपल कैप्शन या तो नाम दे देती हूँ, ठीक है, वो भी सही रहेगा। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे जो हेलो सनराइज लिखा हुआ आया है ना, ये इस वजह से लिखा हुआ आया क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम मॉनिटर में ये सनराइज लिखा था, और मैंने आपसे कहा था कि ये इस वजह से लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि जो चीज़ प्रोग्राम मॉनिटर पे ओपन होती है वही फिर आपके पास यहाँ भी आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपने इसको आगे करना है, आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से जाकर ड्यूरेशन आप जो है वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर मैं यहाँ आ रही हूँ टाइप टूल में, और अगेन ये मैं पहले जो है वो चेंज करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिख रही हूँ, ठीक है। आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, मैं जैसे यहाँ पे लिखवा रही हूँ। अब ज़रूरी नहीं है आप जब असाइनमेंट करें तो आप भी जो है वो यही टेक्स्ट लिखना शुरू करें, ठीक है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। चलिए एक काम करते हैं, गूगल पे जाकर कोई नेचर से रिलेटेड कोटेशन जो है वो क्या करते हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर लें। ये वीडियो बैकग्राउंड कलर ब्राइट नहीं हुआ है, ये वीडियो का एक्चुअल कलर ही यही है, ठीक है। मैंने क्योंकि ड्यूरेशन इंक्रीज की तो उस ड्यूरेशन पे जाके वीडियो का कलर ऐसी हो गया, ठीक है। तो इसको खुद से नहीं किया हमने इंक्रीज अभी। चलें, तो ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया। अब आप जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज सीखी है ना, आप उनमें से कोई भी प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। या फिर जो पहले से लेगेसी टाइटल्स बने हुए हैं हमारे पास, आप चाहें तो आप इनमें से जो है वो कोई भी ले लें, ठीक है। जैसे कि मैं ये वाला अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करवा दिया मैंने, आप कोई भी ले लें यहाँ पे, जैसे ये अगर थोड़ा मैच हो रहा हो, ये वाला थोड़ा सा मैच हो रहा हो, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सा इस पर अप्लाई करना चाहें, ठीक है। अच्छा, ये तो आप कर लेंगे, असल चीज़ क्या है कि इसको सबटाइटल कैसे बनाना है, और सबटाइटल बनाने के लिए करना क्या पड़ता है, बस ये करना पड़ता है कि आपको मूवमेंट करवानी पड़ती है सर, ठीक है। तो अब वो मूवमेंट होती किस तरह है, देखिए मैं यहाँ पर आ रही हूँ, ये जो फॉन्ट फेस है, इस फॉन्ट फेस के बिल्कुल बराबर में एक ऑप्शन है, इसको कहते हैं रॉल क्रॉल ऑप्शंस, ठीक है। अब ये रोल के रोल ऑप्शंस जो हैं मेरे पास, इसमें सबसे पहली टाइप तो आप देखें स्टिल है। अब अभी तक यही टाइप हमारी हमने रखी हुई थी, क्यों, क्योंकि जो है वो हम इसी पे जो है वो थे, क्योंकि हमारा टेक्स्ट एक ही जगह पे था ना, मूव नहीं कर रहा था। फिर आप देखें बाकी के जो तीन ऑप्शंस हैं, रोल और क्रॉल लेफ्ट और क्रॉल राइट, तो रोल यूज होता है इन क्रेडिट्स के लिए, अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए,
और क्रॉल लेफ्ट और क्रॉल राइट का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूवमेंट। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, मैं स्टार्ट ऑफ द स्क्रीन एंड एंड ऑफ द स्क्रीन पे क्लिक करूंगी और मैं यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करूंगी, ठीक है। इसके बाद मैं सिंपल क्या करूंगी, मैंने यहाँ से आकर इसको बंद कर दिया। अब आप देखें ये कैप्शन ये बनाया था ना मैंने टाइटल, तो इसे मैंने यहाँ पे लाके अप्लाई किया, थोड़ी सी ड्यूरेशन इसकी इंक्रीज कर दी है, ठीक है। अब आप इसको देख लें प्ले करके, ये आपको नजर आ रहा है ये मूव करता हुआ आपका टेक्स्ट। तो इस तरीके से ये सब टाइटल आपकी वीडियो में सिंपल ऐड हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर चलते हैं, मैं फाइल में आ जाती हूँ और फाइल में अगेन अब हम एंड क्रेडिट ऐड करना देखते हैं कि आप एंड क्रेडिट किस तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम मैं यहाँ पर इस तरीके से एंड क्रेडिट रख लिया। अब यहाँ पे अगेन ये मैंने टाइप टूल लिया, ठीक है। अब एंड क्रेडिट देखिए, एंड क्रेडिट बहुत सारी तरह के हो सकते हैं, कुछ में जो एनिमेशन मूवीज होती हैं वीडियोज होती हैं उनमें एंड क्रेडिट कैसे होते हैं कि उसके अंदर मेड बाय दिस प्रोड्यूसर इज दिस और वीडियो एडिटर इज दिस और यानी स्क्रिप्ट रिटन बाय दिस, तो वो सब चीज़ें लिखी होती हैं। कुछ में ऐसा होता है थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, कुछ में ऐसा होता है सब्सक्राइब फॉर दिस और दिस। तो एंड क्रेडिट्स मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे जाकर एक्चुअल जो एंड क्रेडिट्स होते हैं मैं उनका जाकर यहाँ पे लिखूँ एंड क्रेडिट्स सैम्पल, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से जाकर ना मैं कुछ ये कॉपी कर रही हूँ, चलिए यहाँ से जो है मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ आ गई हूँ और यहाँ पे लाकर मैंने इसको इस तरीके से पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, इसको मैं थोड़ा सा सेट करती हूँ, उसको मैं सेंटर में लेकर आई हूँ, ठीक है, और इसे मैं इस तरह बीच में लेकर आई। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कलर चेंज कर देती हूँ ताकि ये विजिबल हो सके, इस तरह ब्लैक कलर कर दिया सिंपल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, रोल क्रॉल ऑप्शंस में आके रोल पे जो है पे टिक कर दूंगी। रोल एंड क्रेडिट्स के लिए होता है, क्रॉल लेफ्ट और क्रॉल राइट आप यूज कर सकते हैं सब टाइटल्स के लिए, ठीक है। ये मैंने इस पर क्लिक किया और ये ओके के ऊपर क्लिक किया। और अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, अब मैं यहाँ पर सिंपल इसको ला कर यहाँ पे इस तरीके से मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ तो देखें आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है ना। तो अब आप इसका साइज वगैरह छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ये टोटली जो है वो आपकी, ये टोटली आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, आप अगर कैप्शन ऐड करना हो, ये हमने यहाँ तक देख लिया कि सब टाइटल कैसे ऐड हो रहा है, एंड क्रेडिट कैसे ऐड हो रहे हैं। अब अगर आपको यहाँ पर कैप्शन ऐड करना है, ठीक है, तो कैप्शन किस तरीके से ऐड हो सकता है, देखिए मैं यहाँ पे आ रही हूँ न्यू आइटम में, यहाँ आपको एक कैप्शन का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और स्टैंडर्ड में जाके आप यहाँ पे कर देंगे ओपन कैप्शन, ठीक है। और बाकी सारी सेटिंग्स आपने यही रहने देनी है और फिर आपने सिंपल जो है वो ओके के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। यहाँ देखिए ओपन कैप्शन का एक टैब आ गई है, सही है। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने जहाँ ओपन कैप्शन यानी कैप्शन इंसर्ट करने, जैसे मैं इस वाले टाइटल के ऊपर कर लेती हूँ, तो मैं सिंपल इस टाइटल को उठाऊंगी और ट्रैक नंबर 3 पे रखूंगी और यहाँ से ओपन कैप्शन लेकर मैंने यहाँ पर जो है वो ला के सिंपल प्लेस कर दिए, ठीक है। अब आप इसमें देखें, आपको इसमें सिंपल से ये टाइप इस तरह नजर आ रहे हैं ना, मतलब आप यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है वो इस तरीके से ये नजर आएगा, ठीक है। टाइप कैप्शन टेक्स्ट है, तो अब आप यहाँ पे जो भी कैप्शन लिखना चाहें, माय फर्स्ट वीडियो जैसे लिख लिया, फिर आप यहाँ पे लिख लें, बाकी सारी सेटिंग्स एक ऐसी टाइटल वाली ही है तकरीबन, ठीक है। यहाँ आप कलर चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ एच कलर दे सकते हैं, आप यहाँ बोल्ड कर सकते हैं, आप यहाँ से फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं,
आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले सारे काम डेफिनेटली हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे चेंज करूँगी ना, तो ये देखिए ये मेरे पास जो है वो यहाँ पर इस तरीके से ये लिखा हुआ आ जाएगा, जिसको थोड़ा सा ये मेरे पास इस तरह लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब आप इसमें जाकर सेटिंग्स वगैरह डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये कैप्शन इंसर्ट होते हैं, इस तरीके से सब टाइटल इंसर्ट होता है, इस तरीके से एंड क्रेडिट्स इंसर्ट होते हैं, ठीक है। और बाकी 3D टेक्स्ट जो है वो देख लिया आपने, आप एनिमेशन किस तरह ऐड कर सकते हैं आपने ये भी देख लिया, ठीक है। आपको कोई सवाल है आज के लेक्चर से रिलेटेड? आज हम जो है वो इतना ही सीखेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो फिर नया टॉपिक शुरू करना है, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये कि आज का टास्क आपका ये होगा, आपने अब कंप्लीट एक वीडियो बनानी है, ठीक है। एक कंप्लीट वीडियो बनाइएगा, उसके अंदर आपके पास सब टाइटल्स ज़रूर होने चाहिए, आपके पास एंड क्रेडिट्स वीडियो के आखिर में ज़रूर होने चाहिए, वीडियो के शुरू में एक प्रॉपर आपके पास जो है वो एक हेडिंग हो, कवर हो, ठीक है। और आप कैप्शन भी इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ना एक ही वक्त में कैप्शन और सबटाइटल दोनों चीज़ें इंसर्ट नहीं करते, हम कहीं कहीं सिर्फ कैप्शन करते हैं, कहीं कहीं सिर्फ सबटाइटल करते हैं, और कहीं पे दोनों भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है। अच्छा, कैप्शन की जो पोजीशन है तो वो नहीं हो सकती है, आप इसको या फिर आप इसको अगर सेलेक्ट करें और फिर आप यहाँ पे आके, नहीं इसकी इसकी पोजीशन नहीं चेंज हो सकती, क्योंकि ओपन कैप्शंस होते हैं ना हमारे पास, तो ये जो है वो फिर एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है। और इसकी यही पोजीशन होती है, हम इसे कहीं और नहीं रख सकते। अगर आपको कहीं और रखना हो तो फिर आप उसके लिए सब टाइटल्स यूज करें। ठीक है, आप लोगों के जितने भी टास्क पेंडिंग पर हैं आप लोग उन्हें ज़रूर सबमिट करवा दीजिएगा, और कोर्स से रिलेटेड बाकी कोई भी और कंफ्यूजन हो तो वो भी ज़रूर पूछ लीजिएगा। आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। अच्छा ठीक है, मैं गोस्ट का भी जो है वो बता देती हूँ। चलें, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट इस तरीके से लिखा, ठीक है, इसका कलर पहले चेंज कर लेते हैं। चलें, फिर अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ फिल टाइप में, और फिल टाइप में ओके पहले से सेलेक्ट कर लें। अच्छा, अब अगर आप फिल टाइप में आके देखें तो बाकी सारी टाइप्स आपने देखी होंगी, कुछ मैंने आपको असाइनमेंट में दी थी, ठीक है। बेवेल, एलिमिनेट एंड गोस्ट। अगर मैं यहाँ पर गोस्ट में आऊँ तो देखें, गोस्ट के अंदर जो है ना, गोस्ट का मतलब आपको समझ में आता है ना, यानी उसका मतलब इंग्लिश में लिटरली मीनिंग्स क्या होते हैं? भूत है ना, भूत ऐसी चीज़ होती है जो नज़र नहीं आती, गायब होती है। तो डेफिनेटली इससे क्या होता है, इस वाली टाइप से क्या होता है कि ये जो है वो नज़रों से ओझल हो जाते हैं, अगर मैं आपको आसान जबान में समझाऊँ, ठीक है। मतलब इससे कुछ नहीं होता, अगर आपको अपने टेक्स्ट को डिसअपीयर करना है तो आप सिंपल गोस्ट की हेल्प से कर सकते हैं। आप ये चाह रहे हैं कि उसकी पोजीशन वही रहे, लेकिन क्या हो, वो क्या हो, वो उस सिंपल कुछ वक्त के लिए वो सिर्फ अपनी पोजीशन से डिसअपीयर हो जाए, ठीक है। यानी हर वक्त आप ये नहीं चाहते ना, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आप ये नहीं चाहते कि आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो, यानी आपको बहुत सारे सारे टेक्स्ट ऐड करने पड़ते हैं। आपने एक टेक्स्ट यहाँ ऐड किया, एक यहाँ किया, और फिर आप एक वीडियो में यहाँ रखे हैं, कॉपी बना के आपने दूसरा टेक्स्ट यहाँ रखा, किसी को अब आपने किसी को डिसअपेयर करना है ना, यानी आप डिलीट नहीं करना चाह रहे, आप सिर्फ डिसअपेयर करना चाह रहे हैं, आप बाद में उसको यूज़ करेंगे। तो ऐसी सूरत में यहाँ पे आप इस बूस्ट ऑप्शन को
सेलेक्ट करती हूँ। और अभी आपको इसका फायदा बहुत होता है, जो बड़े प्रोजेक्ट जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको इसका फायदा भी नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो क्लाइंट को सैंपल के तौर पे दिखानी होती हैं। लेकिन फिर क्या हो रहा होता है कि आप हर चीज तो जाहिर है कि स्क्रीन पे ऐड नहीं कर सकते ना, आप कुछ चीजें ऐड करते हैं और फिर उस पर बूस्ट अप्लाई कर देते हैं ताकि अगर क्लाइंट को ये चीज पसंद नहीं आए तो आप उसे ये भी दिखा सकें, ठीक है। तो बूस्ट जस्ट ये है आपके पास, बस इतना सा है, ठीक है। और कोई सवाल तो नहीं है आप में से किसी का? चले मैं क्लास को फिर एंड कर रही हूँ, ठीक है। बाकी कोई और सवाल हो तो उसको नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, असाइनमेंट जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।